भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय महामंत्री नीरज पराशर के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज के लोगों ने एकत्रित होकर परमपिता सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर अवकाश बहाल किए जाने के संबंध में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। परमपिता परमात्मा सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर अवकाश बहाल किए जाने एवं वाल्मीकि समाज की विभिन्न समस्याओं के संबंध में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज आदि कवि रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि में अपार श्रद्धा रखता है। संगठन के प्रयासों से 1993 में वाल्मीकि करुणा निवास प्रकट उत्सव पर सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा उसे रद्द कर दिया गया। आपके सरकार में कई अन्य महापुरुषों के अवकाश बहाल कर दिए गए, तो फिर भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव पर क्यों सरकार की दृष्टि नहीं जा रही, जबकि भगवान वाल्मीकि ने रामचंद्र जी का इतिहास लेकर उनकी पहचान दुनिया में कराई है। रामचंद्र जी के नाम पर रामनवमी, दशहरा एवं दीपावली की छुट्टी रखी जाती है, तो इनका इतिहास लिखने वाले भगवान वाल्मीकि भगवान के प्रकट उत्सव पर उनका अवकाश क्यों नहीं होता। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अनेक महापुरुषों के चौक द्वार हैं, लेकिन भगवान वाल्मीकि के नाम पर चंद चौक को छोड़कर कोई चौक नहीं है। इन जैसी कई मांगों को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों ने ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन देने वालों में हरिनंदन प्रसाद, राहुल भारती, नितिन चौहान, शिवम भारती, अनिल लश्करी, विजय वीर सिंह, संजीव कुमार, सुरजन सिंह, दीपक मुल्तानी, चंद्रशेखर, फकीर चंद्र नागवंशी आदि लोग मौजूद थे। देखिए, बड़ा सोचनीय विषय है। आज देश में साधु संतों की सरकार है, और साधु संतों की सरकार होने के बावजूद भी जिस देश में हम राम को भगवान कहते हैं, वो राम बड़े भगवान वाल्मीकि से दंड भाती चरणों में लेट के कह रहे हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाता विश्व दर्जिम तुमरे हाथा। अर्थात राम कह रहे हैं, हे मुनि, हे ऋषि, आप इस धरती पे जितने भी ऋषि मुनिनाथ हैं, आप उनके देव हो, नाथ हो। ये धरती जो है आपके हाथ तो बेर के समान रखी है। वो राम भगवान तो भगवान वाल्मीकि को भगवान कह रहा है, लेकिन हमारे देश के सरकार मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम के मात्र एक कपास था उसको भी बहाल निरस्त कर दिया। तो आज आपके माध्यम से यही अनुरोध है, यही निवेदन है कि परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि का प्रकट उत्सव आगामी 20 अक्टूबर को आ रहा है, उससे पूर्व हमारा परमपिता परमात्मा का अवकाश बहाल होना चाहिए, अन्यथा ये वाल्मीकि समाज अंकुर आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। हम पिछले कई वर्षों से इस मांग को उठाते चले आ रहे हैं, हमने कई बार इसको रखा है कि हमारे भगवान वाल्मीकि का अवकाश बहाल हो। इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का समाज वाल्मीकि समाज सबसे अत्यधिक सफाई कार्य से जुड़ा है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है। संविदा पर कर्मचारी जो पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, आउटसोर्सिंग ठेके के माध्यम से रखी जा रही है, जिसमें समाज का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। इस ठेका प्रथा को खत्म किया जाए और जो भी भर्ती हो संविदा या स्थायी कर्मचारी की भर्ती हो, जिससे वाल्मीकि समाज का उद्धार हो।